बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जो आप जिंदगी के उसी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड जी, आज ही पेपर हुआ है पाकिस्तान नेवी का। जितने भी इसके पेपर हुए हैं, इसके मिक्स एम सी क्यूज़ मुझे मिले हैं। फ्रेंड्स, एक अहम बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो एम सी क्यूज़ हैं, ये हमें कैंडिडेट की तरफ से मिलते हैं। हम ख़ुद ये टेस्ट नहीं देते, वो हमें भेजते हैं, इसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो खैरली, आप जो तनकीद करते हैं कि सर ये एम सी क्यूज़ नहीं देते, हो सकता है किसी और सेंटर के अलग हों, दूसरे सेंटर के अलग हों, तो ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा हैं। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जितने भी रिपीटेड एम सी क्यूज़ हैं, जो जो रिपीट हुए हैं बार बार, तो वो भी आप सबको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि वर्सक डैम, स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान जो है, ये कौन सा है? ये वर्सक डैम है। वर्सक डैम जो है पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है। क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं कि द आमिर बाशा डैम जो है, ये किस रिवर पर बनाया गया है? तो ये इंडस रिवर पर बनाया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं कि लार्जेस्ट आईलैंड ऑफ द वर्ल्ड जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ग्रीनलैंड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं कि हाउ मेनी फ़र्ज इन गुसल, गुसल में कितने फ़र्ज हैं? तीन फ़र्ज हैं गुसल के, उज़ू के चार हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं कि करेंसी ऑफ तुर्की जो है, ये क्या है? इसका तुर्की की करेंसी का नाम क्या है? लिरा है, ये तुर्की की करेंसी का ऑफिशियल नाम है। क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं कि सीट्स ऑफ वुमेन नेशनल असम्बली में जो औरतें हैं उसके लिए कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें हैं। टोटल सीटें जो हैं नेशनल असम्बली की 342 हैं। क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबा दरिया कौन सा है? रिवर नील है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं कि विच कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू कंटिनेंट, दो कंटिनेंट में कौन सा कंट्री जो है, जो कि जुदा करता है? तो ये तुर्की है। क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं कि इन ओहमला वी इज इक्वल टू आई आर, ओहमला में वी किसी के बराबर होता है? आई आर के बराबर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि द ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज, तो KWH जो है ये ट्रेड यूनिट है किस चीज़ की? यानी इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि व्हेन प्रेशर ऑफ वाटर इज इंक्रीज देन इट्स टेम्परेचर आल्सो, अगर पानी पर दबाव ज़्यादा हो जाए तो इसका टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, उसमें जो है एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसको पावर कहा जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि द यूनिट ऑफ मास, मास यानी मास की इकाई क्या है? तो मास की इकाई किलोग्राम है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि यंग वन ऑफ डॉग इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? इसको पप्पी कहा जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि यंग वन ऑफ हैन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको चिकन कहा जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जो बोगे वो काटोगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के दे रिसीव डैश एनोमियस लेटर, यानी एन लगेगा यहाँ पर, एन एनोमियस लेटर, इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि ही इज सफरिंग डैश फेवर फ्रॉम लगेगा यहाँ पर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिक्स आएगा। किस तरह से आएगा? उस साइड पे एक्स चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इस पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड, देते इसके कुछ एप्टीट्यूड, वीडियो पसंद आने की सुनने में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब एप्टीट्यूड को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।